हेलो फ्रेंड्स, हितेश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम एमएपीसी के तीसरे सब्जेक्ट को कर रहे थे और जिसमें हम पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले अलग अलग फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला फैक्टर था आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा था साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा था एनवायरमेंटल फैक्टर। तो अभी हम साइकोलॉजिकल फैक्टर के गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम एनवायरमेंटल फैक्टर की तरफ चलेंगे। तो आइए समझते हैं कि गोल सेटिंग, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैव शोन दैट, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हमें इस बात को दर्शाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट दैट द सक्सेस हैज अपॉन द पर्सन इज दैट द इंडिविजुअल बिकम्स मोर रियलिस्टिक अबाउट गोल सेटिंग। क्योंकि जो इंडिविजुअल है, एक व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति की बात करें, तो वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है, यथार्थवादी होता है, अपने गोल सेटिंग करने में बड़ा प्रैक्टिकल होता है। सच पर्संस वुड असिस्ट देयर गोल टू ए पॉइंट वेयर दे हैव रीजनेबल चांसेस ऑफ रीचिंग। और इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो अपने गोल को एक एसेट की तरह लेकर चलते हैं, एसेट वेयर दे हैव रीजनेबल चांसेस ऑफ रीचिंग, जहां उन्हें बिल्कुल रीजनेबल तथ्य होते हैं कि अपने पूरे गोल तक वो पहुंच जाएंगे, दे विल डेफिनेटली कंप्लीट एंड फुलफिल देयर गोल। और ये जो बिहेवियर है इज ऑब्वियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट वेल एडजस्टेड पीपल देन दोज ऑफ हु आर पुअरली एडजस्टेड। बिल्कुल ठीक बात है, ये जो बिहेवियर है, जो बिल्कुल गोल ओरिएंटेड होते हैं, वेल कनेक्टेड होते हैं अपने गोल के साथ और उसी पॉइंट की तरफ जो है ना आगे बढ़ते हैं और उसी तरीके से वो बिहेवियर करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही होती है, तो ये जो बिहेवियर है ये करेक्टरिस्टिक्स है इंटेलिजेंट का। वेल एडजस्टेड पीपल जो कि अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने कॉग्निटिव फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली वेल एडजस्ट करते हैं अपने आसपास, और उन लोगों के मुकाबले जो कि पुअरली एडजस्टेड होते हैं, जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सक्सेस रेशियो है वो डाउनवर्ड रहती है। सक्सेस जैसे जैसे हमारी सक्सेस बढ़ती है तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट भी बढ़ता है, हमारी सेल्फ असेसमेंट भी बढ़ती है। सक्सेस इनहेंसेज सेल्फ कंसेप्ट बाय इंक्रीजिंग द पर्सन प्रेस्टीज इन द आईज ऑफ अदर्स। बिल्कुल, कौन नहीं चाहता अपना एप्रिशिएशन, कौन नहीं चाहता आगे बढ़ना, और जैसे ही हम हमारी जो प्रेस्टीज में इन्हेंसमेंट होती है, वृद्धि होती है, और दूसरे की नजरों में जैसे ही हम चढ़ते हैं तो हमारे सेल्फ कंसेप्ट में वृद्धि होती है। दिस इनहेंसेज सोशल एक्सेप्टेंस एंड स्ट्रेंथन्स द इंडिविजुअल्स सेल्फ कंसेप्ट, और इसकी वजह से सोशल एक्सेप्टेंस में उसकी बढ़ोतरी होती है और उसे मजबूती मिलती है उसके सेल्फ कंसेप्ट को, व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें तो हम यहां। बट टू मच सक्सेस ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ इन फैक्ट वीकन्स द पर्सन मोटिवेशन टू डू वंस बेस्ट। यदि सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, उसके जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही मिल जाती है, तो ये चीज पर्सन के मोटिवेशन को वीक कर देती है, वो उससे बेहतर नहीं कर पाता है। इसलिए कहा भी गया है कि स्ट्रगल से जो सफलता मिलती है उसकी वैल्यू इंसान समझता है और हमेशा अपडेटेड रहता है। इट मे कॉज द पर्सन टू लूज सम ऑफ द फ्यू न्यू मोटिवेशंस विच कैन बी जनरेटेड बाय अर्ली अचीवमेंट, जो कि अर्ली अचीवमेंट के द्वारा जनरेट होती है, क्योंकि उसे सफलता जिस तरीके से मिलनी चाहिए थी उसमें उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे सफलता मिल गई। अब उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ कंसेप्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी सोसाइटी में अपने सक्सेस को लेकर नई नई क्रिएशन करे और नई नई चीजों को आगे लेकर आए। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट Even may prove to be more harmful, और यहां साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि extraordinary achievement भी harmful साबित होती है than helpful to social relationship, and not only that, it may arouse jealousy and resentment among those persons who are socially related to the person but somehow less successful. बिल्कुल, और जब बहुत ज्यादा सफलता मिल जाती है उसके पीछे भी एक कारण होता है कि लोग उस व्यक्ति से कटने लग जाते हैं, उसके सोशल रिलेशनशिप में भी एक गैप आने लग जाता है, और क्योंकि लोग क्यों उससे जेलसी फील करेंगे, क्योंकि वो कम सक्सेसफुल है और उनका जो जानने वाला है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, जिसकी वजह से उनके बीच में एक खाई पैदा हो जाती है। तो ये भी कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है वो भी हार्मफुल साबित हो जाती है। फेल्योर इज अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अचीवमेंट, ये भी एक अलग पहलू है, फेल्योर इज द अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अचीवमेंट। इट इज ऑलवेज ईगो डिफ्लेटिंग,
हमेशा जब एक व्यक्ति फेल होता है तो एक व्यक्ति की जो ईगो है वो डिफ्लेट हो जाती है, इन्फ्लेट नहीं होती है। यहां ये शब्द का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से किया गया, ईगो डाउन आ जाती है। फेलियर अंडरमाइंस द सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसकी वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो नीचे आता है, सेल्फ एस्टीम को हर्ट होता है, उसके सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। ग्रेजुअली इट डिस्ट्रॉयज द पर्सन बिलीफ दैट ही और शी कैन डू समथिंग टू अचीव, एंड दिस इनफैक्ट weakens the motive to achieve even those things which are within his or her capability. बिल्कुल, धीरे धीरे उस पर्सन का जो आत्मविश्वास होता है, खुद पर विश्वास होता है, बिलीफ होता है, सेल्फ बिलीफ होता है, वो कम होने लग जाता है। और इसका एक ये प्रभाव होता है कि वो मोटिवेट अब कम होता है, अब उसका कोई उद्देश्य नहीं बन पाता कि कुछ नई चीजों को वो प्राप्त करे, और खास उन चीजों को भी जो उसकी रीच में है, जिनको वो कर सकता है, जिनको वो प्राप्त कर सकता है, उसके लिए भी वो डीमोटिवेट होता जाता है। तो यहां पर भी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। सीवियर एंड रिपीटेड फेलियर कॉजेस स्ट्रेस, और यदि फेलियर उसकी लाइफ में ज्यादा होते हैं, रिपीटेड फेलियर होते हैं, तो उसकी वजह से उसके लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड टेंशन जनरेट हो जाती हैं। समटाइम्स सच रिपीटेड फेलियर्स कॉज सो इंटेंस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी दैट इट प्रोड्यूसेस साइकोसोमेटिक इलनेस और लीड्स टू ए डिफिटियस्ट एटीट्यूड। बिल्कुल, इतनी स्ट्रेस और इतनी उसके अंदर चिंताएं, वरीज, एंग्जाइटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से साइकोसोमेटिक इलनेस हो जाती है। मींस वो अपने आप को बहुत ही कमजोर मानने लग जाता है हर स्थिति के लिए, चाहे परिस्थिति कितनी ही आसान क्यों ना हो। इसलिए यहां यूज किया गया डिफीटियस्ट एटीट्यूड, उसका एक एटीट्यूड हो जाता है कि मैं तो सफल होने वाला हूं ही नहीं। विच स्ट्रेंथन the person's belief in his or her inadequacy, और उसकी जो inadequacy है, अपर्याप्तता है, and intensifies the poor personal and social adjustment, और उसकी वजह से वो जो personal और social adjustment जो करनी होती है वो भी नहीं हो पाती है। डिफिटियस्ट एटीट्यूड हो जाता है, जहां तो एक तरफ अगर ये साइकोसोमेटिक इलनेस नहीं होती तो स्ट्रेंथ मिलती उसे, उस पर्सन को अपने बिलीफ को, है ना, लेकिन वहां जो है ना, यहां उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, इनएडिकेसी होती है, और इंटेंसिफाइज द पुअर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, तो वहां वो पुअर सोशल और एडजस्टमेंट को बढ़ाता है, वो अपने दायरे को बढ़ाने लगता है। यहां रिसर्च हैव रिवील्ड दैट, और रिसर्च यहां इस बात को शो करते हैं दैट वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ फेलियर इज समहाउ नॉट अचीविंग द डिजायर्ड गोल। सबसे ज्यादा जो डैमेजिंग एस्पेक्ट है फेलियर का, कि जब वो आप एक व्यक्ति को अपने मन चाहा गोल नहीं मिल जाता तो, एंड सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिलती, स्पेशली व्हेन द पर्सन होप टू डू सो, और जब वो इस उम्मीद में कि जो काम कर रहा है, इस उम्मीद में कि उसे सफलता जरूर मिलेगी, सो इस तरीके का जो डिससेटिस्फेक्शन आता है, दिस सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन इज इंटेंसिफाइड बाय द रियलाइजेशन दैट अदर्स विद होम द पर्सन हैज कम्पीटेड। अब वो जो सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है ये बढ़ जाता है, और उसके अंदर जो रियलाइजेशन आ जाता है, जिन लोगों के साथ उसका एक कॉम्पिटिशन था, जिसकी वजह से वो जो डिफीट हुआ था, डिफिटियस्ट एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप हुआ था, हैव अचीव्ड द सक्सेस मच अर्लियर देन हिम और हर, तो और वो जो है ना अचीव कर लेता है, अचीव कर लिया है सक्सेस को पहले ही, है ना, उससे उसको ये लग जाता है कि उन लोगों ने जो दूसरे हैं और जो उसके कंपटीशन में थे कि सक्सेस उन्होंने मेरे से पहले हासिल कर ली है। अंडर सच कंडीशन द इम्पैक्ट अपॉन द सेल्फ कंसेप्ट इज हाईली अनफेवरेबल, और इस तरह की जब भी परिस्थिति आती है तो तब जो सेल्फ कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में आ जाता है, वो फेवर नहीं करता है, और व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है यहां बहुत बुरे तरीके से चेंज होने लगती है। और इसके विपरीत यदि देखें, विरोधाभास की स्थिति में देखें, बाय कंट्रास्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इज टू अचीव सक्सेस। बिल्कुल, एक जो ग्रेटेस्ट सोर्स है सेटिस्फेक्शन का वो है सक्सेस को अचीव करना, सफलता को हासिल करना, रिकॉग्निशन अपनी एक पहचान बनाना, प्रेस्टीज अपना एक सम्मान जनरेट करना इस सोसाइटी में मच अर्लियर देन एंटिसिपेटेड एंड अर्लियर देन वंस कॉम्पिटिटर्स। और एक दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है टू अचीव सक्सेस, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज मच अर्लियर देन एंटिसिपेटेड, जब
हमने उसे एंटिसिपेट किया है, जब हमने उसे ये किया है कि इतने समय पर हम ले लेंगे, उससे पहले अपनी रिकॉग्निशन और प्रेस्टीज हर व्यक्ति पाना चाहता है एंड अर्लियर देन वंस कॉम्पिटिटर्स, और अपने कॉम्पिटिटर से पहले वो अचीव करना चाहता है उस सफलता को. द कंडीशन हैज फेवरेबल इंपैक्ट अपॉन द सेल्फ कॉन्सेप्ट. और ऐसी अगर परिस्थिति आती है जब वो ऐसा कॉम्पिटिशन लगाता है कि एंटिसिपेटेड स्थिति से पहले ही वो प्राप्त करना चाहता है सक्सेस और उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो ये इंपैक्ट जो है एक फेवरेबल इंपैक्ट देता है सेल्फ कॉन्सेप्ट में, वो अपनी पहचान बनाने में सक्षम होता है. समटाइम्स इट मे बी सो मच फेवरेबल दैट इट मे लीड टू द डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर. और इतना फेवरेबल होता है कभी कभी, उसे कभी कभी भ्रम हो जाता है एक बहुत बड़ा होने का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एंड दिस कंडीशन इन लॉन्ग टर्म मे काउंटरैक्ट फेवरेबल सोशल जजमेंट एंड प्रूव डैमेजिंग टू द सेल्फ कंसेप्ट. और ऐसी स्थिति वो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी स्थिति में घातक साबित होता है. अब उसे भ्रमपूर्ण धारणाएं आ गई हैं कि वो तो बहुत सम्माननीय प्लेस पर है, अपने कंपिटिटर को हरा चुका है. वो कहते हैं कि अनरियलिस्टिक कंडीशंस में जब भी हमारी इमेजिनेशन जाती है तो उसका लंबे समय पर, लॉन्ग टर्म पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है. वहां उसकी जो सोशल एडजस्टमेंट होती है और वो जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो डैमेज हो जाता है, उसका एक विपरीत प्रभाव पड़ता है. काउंटरैक्ट एक विपरीत प्रभाव पड़ा, काउंटरैक्ट फेवरेबल सोशल जजमेंट एंड प्रूव डैमेजिंग टू द सेल्फ कंसेप्ट. तो जिस व्यक्ति के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, वो व्यक्ति ये समझने लगता है उससे ज्यादा सुपीरियर कोई है ही नहीं, तो तब वहां उसका जो सोशल दायरा है एक कैज्म बढ़ने लगता है, उसका सेल्फ कंसेप्ट इस बात को लेकर प्रभावित होता है. इस चीज में कोई दो राय नहीं है. और अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाले एनवायरमेंटल फैक्टर्स की. बिल्कुल, बिसाइड्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अलावा सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव बीन आइसोलेटेड एंड शोन टू हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. हमने यहां कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर आइसोलेट किए हैं, अलग किए हैं, जो ये बताते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा एक इंपैक्ट डालता है, सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण इंपैक्ट डालते हैं. सो अभी जानते हैं कि ये कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं. अंडर एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स द फॉलोइंग फोर सेट्स ऑफ फैक्टर्स हैव बीन प्राइमरीली एम्फेसाइज्ड. फोर सेट्स ऑफ फैक्टर्स एम्फेसाइज्ड किए गए हैं. सबसे पहला है सोशल एक्सेप्टेंस. दीज आर वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स. एवरी पर्सन लिव्स इन ए सोशल ग्रुप विच जजेस द पर्सन्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ ए पर्सन्स कन्फर्मिटी टू द ग्रुप एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्रॉपर परफॉर्मेंस बिहेवियर एंड एप्रोप्रिएट रोल प्लेइंग. यहाँ जो सोशल एक्सेप्टेंस होती है इसमें एक पर्सन के बिहेवियर को जज किया जाता है कि किस तरीके से वो पर्सन जो है अपने ग्रुप के जो आशाएं हैं उस पर खरा उतरता है ना, और कुछ उसके जो बिहेवियर हैं बहुत अच्छे हैं, है ना, और वो एक अपना अच्छा रोल अदा करता है अपने ग्रुप्स के मध्य, अपने साथियों के मध्य. दस सोशल जजमेंट सर्व एज द बेसिस फॉर सेल्फ इवेल्युएशन. और यहां जो सोशल जजमेंट है ये काम करता है खुद का सेल्फ इवेल्युएशन करना कि एक व्यक्ति किस तरह से अपना खुद का मूल्यांकन कर सकता है कि वो कितना सफल है, कितना सोशल एनवायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, दूसरे उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, वो दूसरों को कितना समझता है, इन सभी चीजों के साथ. इन दिस वे द सोशल ग्रुप टेंड्स टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट. और इस तरह से जो सोशल ग्रुप है वो प्रभावित करता है सेल्फ कंसेप्ट के डेवलपमेंट को, अपनी खुद की पहचान के डेवलपमेंट को. द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस द सोशल ग्रुप हैज ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिपेंड्स नॉट अलोन ऑन हाउ वेल एक्सेप्टेड द इंडिविजुअल इज. अब जो जिस अनुपात में प्रभाव पड़ता है सोशल ग्रुप का हैज ऑन पर्सनैलिटी, और जिसकी वजह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने डिग्री में किस तरीके से सोशल ग्रुप का जो प्रभाव होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में डिपेंड्स नॉट अलोन ऑन हाउ वेल एक्सेप्टेड द इंडिविजुअल इज. इस बात पर निर्भर नहीं करता कि एक व्यक्ति जो है कितना एक्सेप्टेबल है हमारे ग्रुप में, बट ऑल्सो ऑन हाउ मच इंपॉर्टेंस, कि वो कितनी इंपॉर्टेंस देता है सोशल एक्सेप्टेंस हैज फॉर द इंडिविजुअल, कि वो एक व्यक्तिगत तौर पर सोशल एक्सेप्टेंस को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, कितनी तवज्जो देता है. तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से ही ताली बजती है.
If the person places more value on group acceptance, यदि person जो है ज़्यादा value group acceptance पर देता है, that person will be more willing to be influenced by the group. और वो बहुत ज़्यादा willing रहता है, इच्छुक रहता है प्रभावित होने के लिए group के द्वारा. And persons who are widely accepted and liked by the group. और इस तरीके से वह person जो है ना widely accepted होता है और group के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, are likely to respond in a congenial and friendly spirit than those, है ना, और वो congenial और friendly spirit के साथ उसका जुड़ाव होता है कि उसे बहुत अच्छा माना जाता है, sensible माना जाता है, than those, उन लोगों के मुकाबले who experience hostility, disregard and rejection in the group, उन लोगों के मुकाबले जहां जो लोग experience करते हैं aggression को, hostility को, disregard को, जो aggressive होता है natural सी बात है, उसे रिगार्ड तो मिलेगा नहीं ग्रुप में, और वो ग्रुप में उसको रिजेक्शन भी मिलता है कि लोग उसकी बात को ज्यादा सा तवज्जो नहीं देते, ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उसकी जो सेल्फ कंसेप्ट है वो भी प्रभावित होता है. तो एनवायरनमेंट का इस तरह से फर्क पड़ता है, जिसमें एक फैक्ट है सोशल फैक्टर, सो सोशल एक्सेप्टेंस. इनफैक्ट How much influence social acceptance has on behavior depends on two conditions. दो तरह की condition पर depend करता है हमारा. तो पहला है how much security a person has in his or her status in the group. कि वो कितना सुरक्षित है अपने group में, and what importance he or she attaches to the social acceptance. वो किस तरह की importance अपने social acceptance को देता है. If person feels fully secure in the status, यदि person पूरी तरह से secure है अपने status में, which would make the person free to act as he or she wishes. और वो पूरी तरह से free है वो अपने आपको represent करने के लिए, act करने के लिए जैसे कि वो चाहते हैं, and will not be greatly influenced by suggestions from others. और वो ज़्यादा से दूसरों के सलाह से प्रभावित नहीं होते हैं. Likewise, if the person attaches more value to the social acceptance, he or she will also be more susceptible to be in a line with the group members. तो वो बहुत ज़्यादा susceptible होता है कि उसको जो social acceptance के through group members के suggestion का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है. susceptible का मतलब है ये बहुत ज़्यादा prone to, means उसके ऊपर दूसरों की बातों का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा. persons whose social acceptance is very high, जिसकी social acceptance बहुत ज़्यादा हाई होती है, they are generally more outgoing, more flexible. ऐसे लोगों की personality क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा outgoing, बाहर जाने वाले, घूमने वाले, more flexible, means मिलनसार कह सकते हैं outgoing को, flexible भी होते हैं, more active होते हैं, and daring, हिम्मत वाले भी होते हैं, than those who are only moderately socially accepted, जो सिर्फ बिल ठीक-ठीक है भाई, social में थोड़े बहुत काम हुआ तो मिल लिया, नहीं तो नहीं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, है ना. सो सोशली एक्सेप्टेड और मॉडरेटली पॉपुलर. हाउएवर सच पर्संस ऑफन फेल टू एस्टेब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद पीपल. और इस तरह के लोग जो मॉडरेटली एक्सेप्टेड होते हैं वो कभी भी ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप लोगों के साथ नहीं बना पाते. दे ऑल्सो फेल टू शो इमोशनल वार्म्थ. और उनके अंदर भावनात्मक व्यवहार की भी कमी होती है, विच इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल टू क्लोज एंड इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है ना, जो कि एक हमारी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ एक क्लोज और बहुत ही पर्सनल संबंध बनाता है. दिस सेंस ऑफ अलूफनेस, और इस तरह की जो उनके अंदर अलूफनेस, अकेलेपन वाली जो आदत होती है, सेंस ऑफ अलूफनेस यूजुअली कम्स फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी. और जनरली जो उनके दिमाग में, जहन में ये सारी चीज़ें आती हैं वो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी की वजह से आती है कि मैं इन सबसे सुपीरियर हूँ, ठीक है, अगर काम हुआ तो किसी से बात कर ली, नहीं तो नहीं. तो यही एक कारण होता है. वन एक्सट्रीम अपोजिट ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस इज सोशल आइसोलेशन. जो सोशल एक्सेप्टेंस का जो एक्सट्रीम अपोजिट होता है वो सोशल आइसोलेशन होता है. एक्सट्रीम अपोजिट, बिल्कुल विपरीत. इफ ए पर्सन डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ रिजेक्शन ड्यू टू सोशल आइसोलेशन, यदि उसके अंदर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आ जाती है सोशल आइसोलेशन की वजह से, व्हेन इनफैक्ट दे वांट टू बी एक्सेप्टेड, और वो चाहते हैं कि उन्हें लोग एक्सेप्ट करें, वो डेवलप द फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट, वो एक निराशाजनक जो भावना होती है वो डेवलप कर लेते हैं अगेंस्ट दोज हु हैव रिजेक्टेड देम, उन लोगों के प्रति जो उनको ये लगता है कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया या मुझसे बात करके खुश नहीं होते.
बिल्कुल, सच पीपल आर ऑफन डिप्रेस्ड, तो ऐसे लोग ज्यादातर डिप्रेशन में रहेंगे, सैड रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे. दे मे डेवलप सार ग्रेप्स एटीट्यूड, अब उनका जो एटीट्यूड रहता है, जो दृष्टिकोण रहता है लोगों के प्रति, सार ग्रेप्स वाला रहता है कि अंगूर खट्टे हैं जी, ठीक है, क्योंकि वो प्रयास नहीं कर पाते क्योंकि डिजेक्टेड है वो, है ना, डिसअपॉइंटेड है. सो टूवर्ड्स सोशल एक्टिविटीज, तो वो सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को ज्यादा से शामिल भी नहीं करते और अपने आप को अलग थलग रखते हैं. सच सोशल रिजेक्शन मे लीड द पर्संस टू बिकम जुविनाइल डेलिक्वेंट्स और क्रिमिनल्स इन द लॉन्ग रन. और इस तरह के आइसोलेशन का एक बहुत बड़ा खतरा जो हमारे सामने देखने को मिलता है, वो जुविनाइल डेलिक्वेंट्स बन जाते हैं. मीन्स वो कम उम्र के ही अपराधी बन जाते हैं. जैसे समय बीतता है लॉन्ग रन, जब उनके दिमाग में ये सारी चीजें घर कर जाती हैं, तो तब वो जो है ना एक क्रिमिनल स्टेज पर आने लग जाते हैं. रिसर्चर्स हैव फर्दर शोन दैट, और यहां मुझे एक बात सामने आती है ध्यान, क्योंकि एक बच्चा जिसको एक छोटी सी प्रॉब्लम थी और वो कभी कभी इतना डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि जिसकी वजह से उसका माइंड बिल्कुल इलविल सोचने लगता है और वो क्रिमिनल बेस हो जाता है कि मैं किसी को भी मार दूं, बस बस ये लोग जो है ना ये जो है ना मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सोशल एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर. सो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड डेवलपिंग सच काइंड ऑफ रिजेक्टिंग और डिप्रेस्ड एटीट्यूड्स. सो और इस तरीके से जो लॉन्ग रन पे इसका प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात कही गई है, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स और क्रिमिनल्स इन लॉन्ग रन. Researchers have further shown that if early social experiences of the persons are favorable, यदि शुरुआती दौर पर किसी व्यक्ति के जो social experiences हैं वो favorable रहे हैं, favor वाले रहे हैं, they are likely to become social. तो ऐसे लोग social ज्यादा मिलेंगे. And if their experiences are unfavorable, यदि उनके experiences unfavorable रहे हैं, so they are likely to develop an unsocial and antisocial personality. तब उनकी antisocial personality होगी कि कोई भी social, उनको उनका मन करेगा कि criticize करें, है ना. तो यही चीजें सामने आती हैं और यही चीज मैं बताना चाहूंगा कि आजकल क्या हो रहा है कि आजकल lockdown के अंदर आप लोगों को भी news में सुनने को मिल रहा होगा, बिल्कुल खास तरीके की बात आ रही है कि किस तरह से social acceptance में ना होकर ये जो मुस्लिम्स हैं ये अपने आप को अलग समझ रहे हैं हिंदुस्तान से, समाज से, इसलिए वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें हमें समझनी होगी. यदि हमने साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, तो शायद हमें समाज को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी. हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में, सोशल डेप्रिवेशन. अब जहां सोशल डेप्रिवेशन है, जहां आप सोसाइटी से वंचित रह जाते हैं, तो ये भी एक तरीके का एनवायरमेंटल फैक्टर है. और ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन ए मैसिव एंड सिग्निफिकेंट वे, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और बड़े महत्वपूर्ण तरीके से प्रभाव डालता है. सोशल डेप्रिवेशन मीन्स बींग डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट्स इंक्लूडिंग लव एंड अफेक्शन. बिल्कुल, सोशल डिप्रिवेशन का मतलब स्पष्ट तौर पर यह आता है कि हम उन सभी अवसरों से वंचित हो जाएं जो कि हमारा जो सोशल दायरा है, सोशल कॉन्टेक्ट्स है, वो बढ़ाता है और उसमें हमारा एक दूसरे के लिए बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण भाव, प्यार आ जाता है, अफेक्शन आ जाता है कि एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे को समझें, जानें. तो सोशल डेप्रिवेशन कॉजेज सोशल आइसोलेशन और सोशल डेप्रिवेशन की वजह से सोशल आइसोलेशन हो जाता है और जिसका एक बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है पर्सनैलिटी पर. सोशल डेप्रिवेशन हैज प्रूव्ड मोस्ट डैमेजिंग फॉर टू एज ग्रुप्स, दो एज ग्रुप्स के लिए सोशल डेप्रिवेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है जी, द वेरी यंग एंड द एल्डरली, या तो बहुत ज्यादा यंग जो युवा हैं और एल्डरली जो बहुत ज्यादा बड़े हैं. द यंग चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ, और जो यंग चिल्ड्रन है यदि वो डिप्राइव्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विद द पेरेंट्स, गार्जियंस, फेल टू डेवलप हेल्दी एंड नॉर्मल पर्सनैलिटी. बिल्कुल, यदि उनका एक अच्छा सा जो है ना एक जुड़ाव, इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होता है, अपने गार्जियंस के साथ नहीं होता है, अपने साथियों के साथ नहीं होता है, तो उनकी जो है ना जो नॉर्मल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, हेल्दी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो हमेशा एक जो है ना क्रिटिसाइज करेंगे हर चीज को लेकर. देयर बिहेवियर इज सोशली disapproved and they are also unfavorably judged by others. और दूसरे भी फिर उन्हें गलत ही मानेंगे हमेशा. वो disapproved
का शिकार रहेंगे सोसाइटी में, ऐसे जो बंदे होते हैं. सोशल डिप्रीवेशन इज इन एल्डरली पीपल, और जो सोशल डिप्रीवेशन है एल्डरली पीपल में, मेक देम सेल्फ बाउंड एंड सेल्फिश. जो बड़े लोग होते हैं उनको वो बिल्कुल सेल्फिश बना देता है, अपने काम से काम रखने वाला बना देता है, सेल्फ बाउंड. सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते. विच ग्रेजुअली लीड टू अनफेवरेबल सोशल एंड सेल्फ जजमेंट. और जहां धीरे धीरे क्या होता है, अनफेवरेबल सोशल, उनकी जो जजमेंट बन जाती है, सेल्फ जजमेंट भी सोशल भी, उसके बारे में गलत अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं. इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड दैट, और ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि दैट सोशल डेप्रिवेशन इज फार मोर डैमेजिंग टू पीपल हु वांट एंड ऑल्सो नीड सोशल कॉन्टेक्ट्स फॉर हैप्पीनेस. ये उन लोगों के लिए भी घातक साबित हो जाता है जो लोग चाहते हैं कि नहीं, हम सोसाइटी में जाएं, एक दूसरे से मिलें, खुशी हासिल करें, है ना. और उनके मुकाबले दोज हु आर सेल्फ सफिशियंट और हु वॉलंटरली विदड्रॉ, उनके मुकाबले जो खुद अपनी इच्छा से ही, है ना, सेल्फ सफिशियंट होते हैं, वो अपने आप में ही मोटिवेटेड होते हैं और वो अपनी स्वेच्छा से ही सोसाइटी से सोशल डिप्राइव्ड हो जाते हैं, है ना. जैसे अब अगर बात करें तो एग्जांपल बहुत बढ़िया दिया गया है कि व्हेन एल्डरली पर्संस वॉलंटरली डिसाइड ऑन देयर ओन टू विदड्रॉ फ्रॉम द सोशल एक्टिविटीज. जब बड़े लोग, जब ये होता है कि जी रिटायरमेंट हो गई, और हो गई, वो सोशल एक्टिविटीज से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, दे आर फार हैप्पियर एंड रिलेटिवली वेल एडजस्टेड इन कंपेरिजन टू दोज. वो ज़्यादा खुश दिखते हैं, और रिलेटिवली अगर एक कंपैरिजन करें तो रिलेटिवली वेल एडजस्टेड इन कंपैरिजन टू दोज हुज विड्रॉल इज इनवॉलेंट्री. जिनका विड्रॉ, जिनका पीछे हटना सोशल ग्रुप से बिल्कुल उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है, उनके मुकाबले जो अपनी इच्छा से सोसाइटी से विड्रॉ कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी से विड्रॉ कर रहे हैं, वो ज्यादा खुश होते हैं. इफ सोशल डेप्रीवेशन इज एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग, यदि सोशल डेप्रीवेशन ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा लंबा होता है, इट ग्रेजुअली लीड्स टू अनहेल्दी सोशल एटीट्यूड्स एंड मेंटल इलनेस. और ये समाज के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि धीरे धीरे उन लोगों के दिमाग में जो सोशल एटीट्यूड्स होता है, अनहेल्दी होता है बिल्कुल, वो समाज के लिए अच्छा नहीं होता और मेंटल इलनेस हो जाती है. सो ऐसे ऐसे लोग जो है ना, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उनको अजीब सी खुशी मिलती है. नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं जी, एनवायरमेंटल एजुकेशनल फैक्टर्स की. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, इज एजुकेशनल फैक्टर्स. एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जी. स्कूल्स, कॉलेजेस एंड टीचर्स हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. यस, स्कूल और कॉलेजेस का भी बहुत ज़्यादा एक व्यक्तिगत के डेवलपमेंट पर, उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. इसलिए कहा गया है कि स्कूल में टीचर्स अपने आप को अपडेट करें, बच्चों को समझें और ट्रेडिशनल वे से ना पढ़ाएं. द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपॉन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज लार्जली डिटरमिंड बाय द स्टूडेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल एंड कॉलेज, टूवर्ड्स पीस, टूवर्ड्स टीचर्स एंड ऑल्सो टूवर्ड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. बिल्कुल, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वो स्टूडेंट्स के एटीट्यूड द्वारा निर्धारित किया जाता है, बाय द स्टूडेंट्स एटीट्यूड, कि उसका एटीट्यूड क्या है, किसको लेकर, स्कूल और कॉलेजेस को लेकर उसका दृष्टिकोण क्या है, अपने पीयर्स को लेकर, अपने साथियों को लेकर, टीचर्स के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, और वैल्यू ऑफ एजुकेशन उसकी नजर में क्या है. इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी पर क्या आने वाला है. When these attitudes are favorable, जब इस तरह के जो उसकी सोच है और एटीट्यूड है, यदि वो फेवरेबल रहते हैं, the students usually enjoy their academic activities and have a warm and friendly relationship with teachers and their peers. बिल्कुल, अपने पीयर्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ एक फेवरेबल रिलेशन रखते हैं, क्योंकि उनका जो फेवरेबल एटीट्यूड है स्टूडेंट्स का, तो वो अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को भी एंजॉय करेंगे. This has a very favorable impact upon the development of personality by producing stronger sense of self-confidence and self-esteem. तो ऐसे बच्चों में, ऐसे विद्यार्थियों में एक बहुत अच्छे तरीके की एक मजबूत जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मसम्मान की भावना और आत्मविश्वास की भावना पनप जाती है. तो ये बहुत अच्छा है. तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के एटीट्यूड पर कि वो इन सब चीज़ों के प्रति उसका एटीट्यूड कैसे है, तभी तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालेगा. सो द रिवर्स इज ट्रू.
when there is unfavorable attitude amongst students towards education and educational institutions, teachers and peers. Research studies have further revealed that if students are physically and psychologically ready to enter the school or colleges, their attitude tend to be far more favorable. Yadi wo mentally or psychologically, physically or psychologically, दोनों तरफ से रेडी हैं स्कूल और कॉलेजेस में जाने के लिए, तो ये जो एटीट्यूड है उनका वो ज़्यादा फेवरेबल रहता है. और इसकी वजह से क्या होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रति जो उसका एटीट्यूड रहता है इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच अफेक्ट द लेवल ऑफ मोटिवेशन, स्टूडेंट्स क्लासरूम बिहेवियर एंड देयर जनरल इमोशनल रिएक्शंस. और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि ऐसा एटीट्यूड वो जो है इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन से वो जुड़ जाता है, प्रभावित होता है, और जो कि प्रभाव डालता है उसके मोटिवेशन के लेवल पर, उसका क्लासरूम में बिहेवियर कैसा होगा, बर्ताव कैसा होगा, है ना, और उसके जो साधारण तौर पर बातचीत के दौरान जो जनरल इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि दूसरे की बात पर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इमोशन अपने दर्शाता है, वो सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करेंगी. थ्रू दीज वेरियस बिहेवियरल पैटर्न्स, और ये जो डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जो विभिन्न तरह के हैं, द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स सेल्फ इवेल्युएशन एंड द इवेल्युएशन अदर्स मेक ऑफ देम. और ये दूसरों को भी मूल्यांकन करने में मदद करता है उनके बारे में, और वो खुद का भी सेल्फ इवेल्युएशन कर लेता है. Another important factor of educational determinants that affect personality is student-teacher relationship. बिल्कुल, जो दूसरा educational determinants है वो affect करता है आपकी personality को, वो है student और teacher का जो relationship है किस तरीके का है, which is largely dependent upon the teacher's treatment of the student. बिल्कुल, बहुत डिपेंड करता है कि टीचर ना अपने स्टूडेंट को ट्रीट कैसे कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, अपॉन स्टूडेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड पर्टिकुलर टीचर्स एंड ऑन देयर टीचिंग एज वेल एज द डिसिप्लिनरी टेक्निक्स यूज्ड बाय द टीचर्स इंक्लूडिंग द कल्चरल स्टीरियोटाइप्स ऑफ टीचर्स एज ए ग्रुप. बिल्कुल, अब वो जो एटीट्यूड है पर्टिकुलर टीचर के प्रति उसका कैसा बनेगा, तो ये दोनों के रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है, और वो जो पढ़ाते हुए कौन सी डिसिप्लिनरी टेक्निक्स अप्लाई करेगा, और उसमें वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, चाहे वो जो अपने कल्चर से संबंधित हो, कल्चरल स्टीरियोटाइप्स ऑफ टीचर्स एज ए ग्रुप, तो वो कैसे मानता है कि ये स्टीरियोटाइप टीचर है, ये अच्छा टीचर है, है ना, उसके बारे में एक धारणा, एक दृष्टिकोण डेवलप कर लेते हैं. दीज एटीट्यूड्स इन टर्न अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एकेडमिक वर्क. और इस तरह के जो एटीट्यूड्स हैं वो प्रभावित करते हैं स्टूडेंट्स के जो एकेडमिक वर्क की क्वालिटी को, विच बिकम्स द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द सेल्फ, जो कि एक बेस बन जाता है खुद का मूल्यांकन करने का, और सोशल का, सोशल इवेल्युएशन का, मीन्स सोशल तौर पर हम किस तरीके से उसे आंकते हैं, जांचते हैं. टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप अफेक्ट द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी थ्रू इट्स इम्पैक्ट. और जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो प्रभावित करता है स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को थ्रू इट्स इम्पैक्ट अपॉन स्टूडेंट्स मोटिवेशन फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, कि स्टूडेंट्स कितना मोटिवेट होता है अपनी एकेडमिक अचीवमेंट लेने के लिए. When the students see that their relationship with the teacher is warm and friendly, जब वो students देखते हैं कि उनका जो relationship है, उनका जो संबंध है teacher के साथ warm और friendly है कि नहीं है, एक अच्छा है कि नहीं है, their achievements are far better than when they perceive the relationship as hostile. अब वो जो teacher और उसके बीच का जो relationship है warm and friendly है कि नहीं, जब वो देखता है तो उनके जो अचीवमेंट्स आर फार बेटर, उनकी बहुत बढ़िया रहती है, देन किसके मुकाबले, व्हेन दे परसीव द रिलेशनशिप एज होस्टाइल, जब वो ये मानने लग जाते हैं कि नहीं, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है होस्टाइल हो जाता है, प्यूनिटिव हो जाता है और रिजेक्टिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा एक गैज्म आ जाती है, खाई आ जाती है. प्यूनिटिव माने बहुत छोटा रिलेशनशिप, मीन्स विचारों में इतनी भिन्नता आ जाती है जिसकी वजह से ये नहीं होता है, उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है. दिस बूस्ट their self-concept by enhancing self-confidence and और ये चीज़ें हमेशा बूस्ट करती हैं, आगे बढ़ाती हैं आप उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हुए. तो ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं. कुछ फैमिली डिटर्मिनेंट्स होते हैं
आइए देखते हैं, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. कुछ और क्लास ऑफ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को. द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज मैक्सिमल एट ऑल एजेस. और जो बिल्कुल ये जो फैमिली का जो प्रभाव होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा होता है और हर उम्र में होता है. द फैमिली अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से प्रभाव पड़ता है. डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली अपॉन पर्सनैलिटी कम्स चीफली थ्रू डिफरेंट चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स. और जो डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस आता है फैमिली का पर्सनैलिटी के ऊपर वो डिफरेंट चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू आता है which are used to mold the personality pattern. जहां हम उस उन चीजों का जो प्रयोग करते हैं child training methods का उनकी पूरी personality को mold करने के लिए. and the communication of interest, कि उनका जो interest है रुचि है किसमें है. communication of interest, attitude and values between the members of the family. और एक दूसरे को समझने की कितनी ताकत है, मींस उनका दृष्टिकोण, उनके जो मूल्य हैं, अपने जीवन के जो प्रिंसिपल हैं एक दूसरे को समझने में वो किस तरीके से हैं. स्ट्रिक्ट डिमांडिंग एंड प्यूनिटिव एंड इनहेबिटिंग पेरेंट्स गार्जियंस टेंड टू एनकरेज देयर चिल्ड्रन फॉर डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल कंट्रोल्स टू गाइड देयर बिहेवियर. अब वो क्या होता है कि इस तरह के जो होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ उनसे डिमांड करते रहते हैं कि नहीं बेटा आपने ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ऐसे पढ़ना है, वहां जाना है. तो ऐसे बच्चे जो है ना हमेशा जो है ना उनका जो बिहेवियर है ना बाहर से ज्यादा प्रभावित होगा और उसका जो रिजल्ट मिलेगा व्हेन द चिल्ड्रन आर आउटसाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट्स दे टेंड टू शो इम्पल्सिवनेस इन देयर बिहेवियर. वो बहुत ज्यादा भावुक होते हैं और छोटे से चैलेंजेस आने के बावजूद वो अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करते हैं क्योंकि वो चिल्ड्रन जो है ना आउटसाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो बिल्कुल उनके डायरेक्ट कंट्रोल से परे हो जाते हैं, वो ज्यादा भावुक हो जाते हैं अपने बिहेवियर में. इनडायरेक्टली थ्रू आइडेंटिफिकेशन विद पेरेंट्स, और इनडायरेक्ट तरीके से बात करें थ्रू आइडेंटिफिकेशन विद पेरेंट्स चिल्ड्रन डेवलप ए पर्सनैलिटी पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. और वो अपने पेरेंट्स वाली ही पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेते हैं. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज रिवील दैट थ्रू इमिटेशन ऑल्सो ए सर्टेन पर्सनैलिटी पैटर्न डेवलप्स. और इस इमिटेशन के थ्रू जो वो नकल करते हैं उसके थ्रू उनकी एक अलग तरीके का जो पर्सनैलिटी पैटर्न है वो डेवलप हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लिविंग विद पेरेंट्स हु आर ऑंक्शियस, बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, नर्वस होते हैं, एंड लैकिंग द सेंस ऑफ ह्यूमर प्रोड्यूसेस इन द चिल्ड्रन ए सेंस ऑफ नर्वसनेस एंड फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ टेंपर. और उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि उनके अंदर फिर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, स्थिति को समझने की ताकत नहीं होती, चैलेंजेस को जो निपटने की एक जो है ना एक तरीका नहीं होता. लाइकवाइज और अगर इसी सीरीज में अगर हम बात करें तो जो पेरेंट्स लिविंग विद वार्म अफेक्शनेट लविंग एंड इंटरेस्टेड पेरेंट्स जनरली प्रोड्यूसेस ए सोशल एंड ग्रिगेरियस पर्सन. वो एक ऐसा बच्चा देते हैं समाज को जो सोशल होता है और बड़ा ही ग्रिगेरियस होता है, खुला ब्रॉड आस्पेक्ट का होता है. सच पर्सन्स आल्सो डेवलप एन इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर एंड अफेक्शन फॉर पर्सन्स आउटसाइड द होम एज वेल. और इस तरह के जो पर्सन होते हैं सोसाइटी में उनका जो है ना सामाजिक कल्याण में ज़्यादा रुचि होती है और बाहर भी अपने घर के बाहर भी दूसरे पर्सन की के लिए वो हेल्पफुल होते हैं. दूसरे शब्दों में यदि हम कहें इमोशनल क्लाइमेट ऑफ होम एंड ऑर्डिनल पोजिशन. अब घर का एक प्रभाव पड़ता है कि इमोशनल क्लाइमेट कैसा है, वहाँ भावना का स्तर किस तरीके का है, जहाँ बच्चे के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है. ऑर्डिनल पोजिशन बच्चा, अब हर एक घर में एक बच्चा तो नहीं मिलता, किसी घर में दो बच्चे होते, किसी घर में तीन बच्चे होते, तो उनकी एक सीरीज पर. ऑर्डिनल पोजिशन का मतलब होता है कि वो कौन से नंबर वाला बच्चा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है. ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज द इमोशनल क्लाइमेट एट होम एज वेल एज द ऑर्डिनल पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न विद इन हिज फैमिली. ऑर्डिनल पोजिशन रेफर्स टू द एल्डेस्ट और द यंगेस्ट और द मिडल और सेकेंड और थर्ड चाइल्ड इन द फैमिली. इफ द होम क्लाइमेट इज फेवरेबल, यदि घर का जो एनवायरमेंट है वो फेवरेबल है, द पर्सन विल रिएक्ट टू द पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड फ्रस्ट्रेशन इन ए काम वे. यदि उसके सामने कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी उसकी या कोई फ्रस्ट्रेशन होंगी तो बड़े ही सीरियस तरीके से वो उनसे निपट लेगा एंड टू पीपल इन ए टॉलरेंट एंड ए कोऑपरेटिव वे. और लोगों के साथ वो बड़ा ही सहनशील रहेगा और बड़ा ही सहयोगी रहेगा, कोऑपरेटिव वे में बात करेगा. ऑन द अदर हैंड यदि दूसरी तरफ इफ द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द होम
यदि जो घर का जो इमोशनल क्लाइमेट है इज फुल ऑफ फ्रिक्शन एंड कन्फ्लिक्ट्स, पूरा उसमें जो है ना फुल ऑफ फ्रिक्शन है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, दुविधाएं हैं, है ना, आपस में एक दूसरे की नहीं बनती, द पर्सन इज मोर लाइकली टू डेवलप ए सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी, और ऐसा व्यक्ति हॉस्टिलिटी एग्रेसिव नेचर का हो जाता है एंड मे ऑफन टेंड टू रिएक्ट टू पीपल इन एन एग्रेसिव वे, और बाहर लोगों के ऊपर भी वो बड़ा आक्रामक तरीके से रिएक्ट करेगा. ऑर्डिनल पोजिशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. जो ऑर्डिनल पोजिशन होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को. स्टडीज हैव रिवील्ड दैट, और स्टडीज ने ये बात उजागर करती है, जाहिर कर दी है, दैट द फर्स्ट बॉर्न्स टेंड टू बी मोर कन्फर्मिंग एंड डिपेंडेंट देन द लेटर बॉर्न्स. और जो ये बात बता रहे हैं कि जो पहला बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा कन्फर्मिंग होता है एंड डिपेंडेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है घर पर, परिवार पर, है ना, और वो एक्सेप्ट करता है हर चीज़ को, वहाँ उसको बताई गई हर चीज़ को. कन्फर्मिंग का मतलब हर चीज़ कन्फर्म कर लेना, हर कहना मान लेना. देन द लेटर बॉर्न्स, जो बाद में पैदा होता है, सो दे आर मोर एफिलिएटिव, वो बहुत ज़्यादा एफिलेटिव होते हैं, मोर ससेप्टेबल टू द ग्रुप प्रेशर्स एंड मोर इंट्रोवर्टेड. ऐसे जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा लगाव वाले होते हैं, ससेप्टेबल टू ग्रुप प्रेशर्स, और ग्रुप प्रेशर्स का उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, आउटगोइंग नहीं होते हैं. फर्स्ट बॉर्न्स हु अचीव ग्रेटर सक्सेस देन द लेटर बॉर्न सिबलिंग्स tend to be selfish and self-centered. और जो first born होते हैं जो कि greater success हासिल कर लेते हैं than the later born siblings, अपने भाई बहनों से जो बाद में पैदा हुए हैं, tend to be selfish and self-centered. ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो selfish हो जाते हैं, self-centered हो जाते हैं, और घर परिवार अपने भाई बहन की परवाह नहीं करते. They show their feeling of superiority, और वो अपनी feeling of superiority दिखाते हैं about their achievements, कि हमने ये हासिल कर लिया, by making criticism of others. वो दूसरों को criticize करते हैं. Despite the feelings of superiority, और feeling of superiority के बावजूद भी, अभी यहाँ क्या होता है, despite the feelings of superiority, they continue to suffer from a feeling of insecurity. और उनके अंदर लगातार जो insecurity की जो feeling है, भावना है, वो develop रहती है, which had developed earlier, जो कि उनमें पहले ही develop हो गई थी when they were replaced by younger siblings, जब उनके यहाँ एक छोटा उसका भाई बहन आया था उनके परिवार में, तब से ही वो जो है ना insecurity का शिकार हो गए थे, which parents started giving more attention, और उसके छोटे भाई या बहन को ज़्यादा ध्यान मिलने लग गया था, love and affection ज़्यादा मिलने लग गया था. This feeling of insecurity, ये जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स ऑफ द फर्स्ट बॉर्न. वो पुअर सोशल और पर्सनल एडजस्टमेंट करते हैं सोसाइटी में, वो ज्यादा से मिलनसार नहीं हो पाते, बड़े सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं. द मेजर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लास्ट बॉर्न, और जो मेजर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स है लास्ट बॉर्न का, एज शोन बाय द वेरियस रिसर्चेस, आर डिपेंडेंसी, एफिलेटिव नीड, lack of self-confidence. और जो इस तरह से जो last born होते हैं वो affiliative होते हैं, dependent होते हैं, वो हर समय affiliative need की, उनको एक सहारे की ज़रूरत रहती है, और उनके अंदर self-confidence की कमी होती है. lack of frustration tolerance, और उनके अंदर जो frustration को सहन करने की जो शक्ति होती है वो भी नहीं होती है. defiance of authority, और authority के प्रति जो उनका रक्षात्मक रुख होता है वो भी अच्छा नहीं होता है. In comparison to the first borns, और first born के comparison में most last borns have relatively weak achievement motivation, और जो last born होते हैं उनकी संभवतः जो है बड़ी ही weak achievement होती है, weak, बड़े कमजोर होते हैं उनकी जो motivation से लेकर अगर बात करें और उनकी achievement को लेकर बात करें. So they are dependent, or they are having the lack of frustration tolerance as well. So they are generally not pressed by the members of the family, है ना, वो they are generally not pressed by the members of the family to achieve more, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा सा फैमिली में दबाव नहीं डाला गया, क्योंकि छोटा होता है तो उसको प्यार और अफेक्शन ज़्यादा मिल जाता है फैमिली में, जिसकी वजह से ऐसा होता है. एंड nor do most families care to provide them with the opportunities that were provided to the
फर्स्ट बॉर्न्स, और जो अपॉर्चुनिटीज और अवसर आगे बढ़ने के फर्स्ट बॉर्न को प्रोवाइड किए जाते हैं, लास्ट बॉर्न को नहीं प्रोवाइड किए जाते, जिसकी वजह से ये कहानी होती है। सो फार एज द मिडल बॉर्न और सेकेंड बॉर्न आर कंसर्न, जहां तक मिडल बॉर्न और सेकेंड बॉर्न्स का सवाल है, दे आर फाउंड टू बी जनरली लेस फैमिली ओरिएंटेड, इनको फैमिली से कोई ज्यादा लगाव नहीं आता है, मोर पीयर ओरिएंटेड, ये साथियों से ज्यादा लगाव रखते हैं, फ्रॉम देयर पीयर रिलेशनशिप दे डेवलप सच पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और जो उन पीयर्स के साथ अपने साथियों के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं उनके अंदर इस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाते हैं विच प्रोड्यूस बेटर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, और पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट उनकी अच्छी मिलती है, एज अ रिजल्ट दे आर मोर पॉपुलर among the peers in comparison to the first born or last born. First born or last born के मुकाबले वो peer group में बहुत ज़्यादा popular होते हैं, और size of the family का भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अभी देखते हैं, this factor also affects the development of personality. ये भी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। लार्जर फैमिलीज पेरेंट्स हैव लिटिल टाइम टू प्रोटेक्ट एनी चाइल्ड, और फैमिली के अंदर जो है ना, जो बड़ी फैमिलीज होती हैं उनमें बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता है। एज सच चिल्ड्रन लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, और उन्हें इंडिपेंडेंट बनने की सीख मिलती है, एंड शो मैच्योरिटी इन देयर बिहेवियर एट एन अर्लियर एज, और जल्दी ही उनके व्यवहार में मैच्योरिटी आ जाती है एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन ऑफ स्मॉलर फैमिली, स्मॉलर फैमिलीज के बच्चों के मुकाबले उनके अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी होती है। हाउएवर लार्जर फैमिलीज एंड क्रेज सर्टेन पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स दैट में हैम्पर गुड पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, और जिसकी वजह से उन बच्चों की जो है पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट जो होती हैं वो रुक जाती हैं, अच्छे तरीके से नहीं हो पाती हैं। फॉर कीपिंग द होम एनवायरमेंट रीजनेबली काम, और घर के एनवायरमेंट को बहुत एक शांत रखने के लिए पेरेंट्स ऑफ द लार्जर फैमिलीज जनरली अडॉप्ट अथॉरिटेरियन मेथड ऑफ कंट्रोल, एक तानाशाह वाला रुख रखते हैं, विच प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिसेंटमेंट एंड रिबेलियन अमंग चिल्ड्रन, और जिसकी वजह से उनमें एक निराशा का भाव छाता है बच्चों में, और वो रिबेलियन हो जाते हैं और आउटबस्ट भी हो जाते हैं कभी कभी, उनकी बातों के विरुद्ध भी हो जाते हैं, और उस इन द ऑन द कॉन्ट्रेरी इन स्मॉल फैमिलीज सिंस पेरेंट्स डिवोट एनफ टाइम टू केयर एंड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू ईच चाइल्ड दिस प्रोड्यूसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसकी वजह से उनकी प्रॉपर गाइडेंस होती है स्मॉल फैमिलीज में प्रत्येक बच्चे की, और इसकी वजह से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, सेल्फ एश्योरेंस एंड एलिमिनेट्स द फीलिंग ऑफ इनएडिकेसी विच मे कम वेन द चाइल्ड इज लेफ्ट टू मीट द प्रॉब्लम अलोन, और उनके अंदर सेल्फ एश्योरेंस की भावना आती है, आत्मविश्वास की, और उनकी जो अपर्याप्तता की जो फीलिंग होती है वो हट जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, विच मे कम, जो कि उस समय आ सकती है व्हेन द चाइल्ड इज लेफ्ट टू मीट द प्रॉब्लम अलोन, जब एक बच्चे को प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए अकेला छोड़ा जाता है। हाउएवर ड्यू टू स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन फॉर गेटिंग पेरेंटल अटेंशन अफेक्शन एंड अप्रूवल इन स्मॉल फैमिलीज जेलसी एंड एनवे स्पेशली अगेंस्ट द फर्स्ट बॉर्न, बिल्कुल जो स्मॉल फैमिलीज में एक और चीज आती है कि स्ट्रिक्ट कंपटीशन की वजह से जो पेरेंटल अटेंशन मिलता है, तो वहां क्या होता है जी, जब पेरेंटल अटेंशन मिलता है अफेक्शन एंड अप्रूवल इन स्मॉल फैमिलीज जेलसी एंड एनवे अगेंस्ट द फर्स्ट बॉर्न के अगेंस्ट हु आर परसीव्ड टू बी पेरेंट्स फेवरेट डैमेजेस द सेल्फ कंसेप्ट ऑफ द कंसर्न्ड इंडिविजुअल, और उसका जो अपनी खुद की पहचान होती है, जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, वो कंसर्न्ड इंडिविजुअल का डैमेज हो जाता है। और अगर हम आगे बात करें तो वी हैव सीन दैट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय ए सेट ऑफ थ्री फैक्टर्स, जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है वो शेप होता है थ्री फैक्टर्स के थ्रू, नेमली फिजिकल बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देर आर साइकोलॉजिस्ट लाइक जेबी वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरिज्म हु हैव आउटराइट एम्फसाइज्ड अपॉन ओनली वन फैक्टर दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है उन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर की ओर किया दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर इग्नोरिंग द रोल ऑफ अदर टू सेट ऑफ फैक्टर्स इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, उन्होंने दूसरे दो फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। ही हैड एम्फेटिकली प्रोक्लेम्ड दैट, और उन्होंने जोरदार तरीके से इस बात का दावा किया दैट गिव हिम ए चाइल्ड कि उन्हें एक बच्चा दीजिए ही विल मेक हिम ईदर ए डॉक्टर और ए बैगर और ए इंजीनियर और ए थीफ इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एबिलिटीज,
इस बात के बजाय कि उसके अंदर क्या जो है एबिलिटीज हैं, क्या क्षमताएं हैं, उसकी बजाय वो जो है ना उसको जो वो खुद बनाना चाहते हैं उसे वो बना देंगे. टुडे देर इज लिटिल सपोर्ट फॉर सच स्टेटमेंट. आजकल इस स्टेटमेंट को बहुत ही कम सपोर्ट मिलती है. एंड देर इज ऑलमोस्ट एंड यूनानिमिटी अमंग द पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट रिगार्डिंग द बेसिक व्यू दैट द फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स प्रोवाइड अ बाउंड्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. और वो इसके बनिस्पत ये मानते हैं कि जो फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो भी डेवलपमेंट की एक बाउंड्री को निर्धारित करते हैं, एक बेस निर्धारित करते हैं. विद इन दिस जनरल बाउंड्री पर्सनैलिटी इज डेवलप्ड और शेप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. Therefore, it can be concluded that environment development of personality can be explained in terms of the following equation. अगर हम इस equation की बात करें तो personality development is equal to physical determinants multiplied by psychological determinants multiplied by environmental determinants. तो personality के ऊपर इन तीनों factors का प्रभाव पड़ता है. So, ये थी हमारी unit. और अगली यूनिट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार.